आप देख रहे हैं टीनन और मैं तरुण। मैं 21 दिनों के लिए पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया है और इस 21 दिनों के दौरान सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज यानी बहुत ज़रूरी जो सुविधाएं हैं वही ओपन रहेंगी। लेकिन मैं फिर भी देख रहा हूं कि कुछ लोग अभी भी इस पूरे लॉकडाउन को और पूरे कोरोना को बहुत मजाक के तौर पर ले रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि कृपया वो अपने घरों में रहें। वो ना सिर्फ खुद को संक्रमित करेंगे बल्कि समाज को भी समाज में भी संक्रमण फैलाएंगे। इसलिए आप सभी से भी अपील है कि उन लोगों को समझाइए जो बिना किसी काम के बाहर निकल रहे हैं और उनको घरों में रोकिए। ले एक चीज़ और, अगर ये पाया गया कि लॉकडाउन को किसी भी व्यक्ति ने तोड़ा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, कानूनी कार्रवाई, वो भी जान लीजिए। क्योंकि देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो युवा हैं, जो कुछ लोग हैं, वो अभी भी इसको नहीं मान रहे हैं और बिल्कुल लॉकडाउन को मजाक के तौर पर ले लिए। तो उनके लिए जानना ज़रूरी है कि अगर आप अगर लॉकडाउन को के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी और जिसमें 6 महीने की जेल या 1,000 रुपये पेनाल्टी या फिर दोनों लग सकते हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 51-60 के तहत भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए घरों में रहिए, इन तमाम कानूनी कार्रवाई से बचिए, खुद को सुरक्षित रखिए। मसला यहाँ सिर्फ अपने तक सीमित नहीं है, यहाँ पूरे समाज की बात है। घरों में रहें, जरूरी ना हो तो बिल्कुल ना निकलें। मेरी अपील है आप सभी से कि उन लोगों को समझाइए जो लोग बिना किसी काम के घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो संक्रमण और उनके संक्रमित होने का जो चांसेज हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप सभी घरों में रहें, खुद को सुरक्षित रखें और अगर नहीं रखेंगे तो कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। पुलिस बिल्कुल इस बार किसी भी प्रकार की रियायत देने के मूड में नहीं है। ये बहुत कठिन समय है, इस कठिन समय को समझिए, घरों में रहिए। अगर नहीं रहेंगे तो फिर जेल जाने की भी तैयारी कर लीजिए। यानी कि अगर आपको पाया गया कि किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो तय मानिए आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई से कोई नहीं रोक सकता और जेल जाना तय है। इसलिए ज़रूरी है कि आप नियमों का पालन करें, घरों में रहें, खुद को संक्रमित होने से बचाएँ और समाज को भी संक्रमित होने से बचाएं, संक्रमण फैलाने से बचें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने घरों में रहें, लोगों को समझाइए, एक दूसरे को जागरूक करिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन तमाम माध्यमों से, और खुद को घरों में रहें। ज़रूरी ना हो तो बिल्कुल बाहर ना निकलें।